सिद्धे विशुद्ध निलये पनट्ठकम् मे विनट्ठ संसारे पणमिय शिरसा ओच्छं कम्मठिदिरयण सभावम्। बताते गाथा नंबर 941 है। अपने स्थिति बंद होने के बाद निषेकों की रचना जो होती है, आबादा और उसके ऊपर निषेक रचना, सात कर्मों की निषेक रचना कैसी होती है? आबादा के ऊपर होती है और वो आबादा स्थिति में ही गर्भित रहती है, मतलब आबादा न्यून स्थिति प्रमाण निषेक रचना होती है और आयु कर्म की पूर्ण स्थिति प्रमाण निषेक रचना होती है। तो एक एक समय में ऐसे बांधता है तो उसकी निषेक रचना होती है और नीचे नीचे के जो निषेक है उसकी स्थिति एक 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 कम होती जाती है। जो भी अपन कर्म की स्थिति कहते हैं कौन सी किसकी अपेक्षा से, अंतिम निषेक की अपेक्षा से वो स्थिति कही जाती है। उसी प्रकार अनुभाग बंध जो है, हर समय हम अनुभाग को भी बांधते हैं तो वहाँ जो सबसे लास्ट स्पर्धक होगा उसकी मंदता और तीव्रता के अनुसार वहाँ पर अनुभाग बंध कम ज़्यादा कहा जाता है। तो जैसे लता दारु अस्थि शैल सबके अनंत 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 स्पर्धक होते हैं तो उसमें सबसे जो लास्ट का जो स्पर्धक है उससे अपन तीव्र और मंदता जानते हैं कि इसमें तीव्र अनुभाग है या मंद अनुभाग है। चतुस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, इसी प्रकार अनुभाग बंध होता है तो उसके अनुसार वह कम ज़्यादा कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं, 40 नंबर गाता है, आबाधानम विदियो तदियो कमसो हि चरिम समयो दु पडमो विदियो तदियो कमसो चरिमो निसेवो दु। विदियो तदियो कमसो हि चरम समयो, क्रम से बता रहे, पहले आबादा का पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, इस प्रकार ऊपर ऊपर आबादा के समय आएंगे और उसके ऊपर क्या है फिर निषेक चालू होंगे। आबादा के ऊपर, आबादा मतलब जब तक कर्म उदय में नहीं आता है तो उसको कहते हैं आबादा। तो कोई भी कर्म हम बंद, कर्म बंद करते हैं समय प्रबद्ध का तो उसका तुरंत उदय नहीं आता है, उसमें कुछ काल बीतने के बाद ही उसका उदय चालू होता है। तो जितना काल उसकी आबादा कही है उसका सब गणित निकाला है, उसके ऊपर क्या होती है निषेक रचना, मतलब जो परमाणु उदय में आएंगे एक समय में जितने आएंगे उसका एक निषेक, फिर दूसरे समय में जितने आएंगे उसका दूसरा निषेक, इस प्रकार ऊपर ऊपर निषेकों की रचना होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसे क्रम से चरम निषेक होता है एक के ऊपर एक। निजे त्रिकोण दिया है ना, पहले 512 निकाला और ऊपर 9 निकाला है तो 512 पहला निषेक है और फिर ऊपर 9 नंबर का निषेक है, इस प्रकार निषेक रचना बताई। अब 942 नंबर गाता है, समय पबद्ध प्रमाणम हो दिदिरिच्छे न वर्तमानम मी पड़ी समयम बंधु दो एको समय पबद्धो दु। वर्तमान में, वर्तमान में अभी हर समय प्रत्येक समय में तिरिच्छेन मतलब ऐसे तिर्यक रूप से, अभी यह रचना करेंगे ना तो वहाँ दिखाएंगे तिर्यक रूप से एक समय प्रबद्ध प्रमाण जो है उसका वह एक समय प्रबद्ध पूरा होता है, उसका उदय होता है और पड़ी समयम बंधु दो एक को समय पबद्धो, प्रत्येक समय में बंध भी एक समय प्रबद्ध प्रमाण का होता है और उदय भी एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध अर्थात क्या कि प्रत्येक समय में हम जितने कर्म परमाणु को बांधते हैं उसको कहते हैं एक समय प्रबद्ध, उसका नाम एक समय में बांधा हुआ उसको एक समय प्रबद्ध ऐसा कहते हैं। तो एक समय में जितना बांधते हैं उतना ही उदय में भी आता है, हर समय एक एक समय प्रबद्ध उदय में आता है लेकिन बांधते हैं वो पूरा का पूरा एक साथ उदय में नहीं आते हैं, अनेक समय में बांधा हुआ एक समय में उदय में आता है और एक समय में बांधा हुआ अनेक समयों में उदय में आता है।
तो यहाँ वर्तमान में उदय एक समय प्रबद्ध का हो रहा है, उसमें जो निषेक है वो अनेक समय में बांधे हुए हैं, उसको कैसे अभी दिखाएंगे आकृति के माध्यम से। और एक गाथा पढ़ते हैं तो सब पूरा हो जाता है। अंत होता है, उदय भी एक समय प्रबद्ध का आता है, और सत्ता में कितना रहता है वो बता रहे आगे। सत्तम समय प्रबद्धम दिवड्ड गुण हानि ताड़ियम ओणम त्यको न सर्वठिद दव्वे मिलिदे हवे नियमा। अब एक समय प्रबद्ध का बंद होता है और एक समय प्रबद्ध उदय में आता है, तो कुछ शेष नहीं बचना चाहिए ना, झेरो। एक समय प्रबद्ध में से एक समय प्रबद्ध निकालो तो सत्ता में झेरो रहना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा बताया है कि सत्ता में कितना रहता है, दिवड्ड गुणहानि ताड़ियम, दीढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण, इतना सत्ता में। अभी अपने पास सभी के पास इतना धन मौजूद है, कर्म का कर्जा इतना रुद मौजूद है, कर्म का कर्जा इतना है अपने पास, कितना, डेढ़ गुण हानि गुणित। अब एक गुण हानि कितनी बड़ी, पल्ले का असंख्यातवा भाग, पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण, इतनी एक गुण हानि है, उसका डेढ़ करो तो उतने प्रमाण एक समय प्रबद्ध से गुना करो, मैंने एक समय में जितना बांधते हैं उसको डेढ़ गुण हानि गुणित से, डेढ़ गुण हानि से गुना करो तो उतना सत्ता में कर्म परमाणु हर एक के पास रहेगा। कभी किसी का थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा होगा, लेकिन होगा उसके मेजरमेंट डेढ़ गुण हानि ही होगी, सरासर तेवढंच असणार। उसमें समय प्रबद्ध छोटा बड़ा होता है ना, किसी गुणित कर्मांशिक वाला है तो बड़ा बड़ा समय प्रबद्ध है, शपित कर्मांशिक वाला है तो उसका समय प्रबद्ध छोटा है, क्योंकि हम एक समय में जो बांधते हो योग के अनुसार बांधते हैं। योग कम है तो कम परमाणु आते हैं, योग ज्यादा है तो ज्यादा परमाणु आते हैं। वो अपन जान नहीं सकते उसको, इतना सामान्य है कि एकेंद्र द्विंद्र त्रिंद्र चतुरिंद्र से पंचेंद्र का ज्यादा ही होगा, एकेंद्र का योग कम है। अपन योगस्थान देखे हैं ना, वहाँ 84 योगस्थान, उसमें एकेंद्र आदि के योगस्थान पहले आते हैं, फिर द्विंद्र आदि के ऊपर है। लेकिन अभी अपने योग ज्यादा है या कम है वो अपन नहीं जान सकते हैं। ऐसा हो सकता है अभी वचन योग वे कर रहे तो योग थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, थोड़े शांत बैठे हुए तो उसमें योग कम भी हो सकता है, लेकिन उसका ये कोई ये नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है वहाँ पर। कभी कभी ध्यान के काल में भी वहाँ योग बढ़ा का है, क्योंकि वो मानसिक अपना ये रहता है ना, उस समय मानसिक ज़्यादा खर्चा होता है, तो उस समय मनोयोग की अपेक्षा से भी ज़्यादा हो सकता है, या कायोग भी बैठे हुए तो भी कायोग होता है। तो ये कोण सर्वठिद दव्वे मिली दे नीमा हवे, ये कैसे आता है डेढ़ गुणाने गुणे समय प्रबद्ध, तो त्रिकोण रचना जो है, तीय कोण स्वरूप स्थित द्रव्य मिलाने पर सब द्रव्य को आ जोड़ करो तो नियम से डेढ़ गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में रहता है। अब यह और एक गाथा है वो पढ़ते तो ये पूरा प्रकरण हो जाता है, फिर इसका गणित देखेंगे सब। 944 नंबर गाथा है। उवरिम गुण हानिनम धनमन्ति महीन पड़म दलमित पड़मे समय पबद्धम ओन कमे नठिया तिरिये। उवरिम गुण हानिनम, ऊपर की गुण हानियों का धन कितना आता है, तो अंतिम गुण हानि से हीन प्रथम गुण हानि का आधा करो। अभी अपन निकालने वाले हैं ना, वहाँ ये सूत्र बताएंगे कि ऊपर के गुण हानि के धन में से अंतिम गुण हानि के धन को कम करो और उसका आधा करो तो बराबर आगे की गुण हानि का धन आता है। पड़मे समय प्रबद्धम ऊन कमे न ठिया तिरे, प्रथम में पूरा समय प्रबद्ध है, फिर दूसरे में एक एक निषेक कम होते जाते हैं तिरेक रूप से, इस प्रकार यहाँ बताया है। अब इसका डेढ़ गुण हानि गुणित कैसे आता है समय प्रबद्ध सत्ता में, उसको अपन देखते हैं। देखना अपने को डेढ़ गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में कैसे रहता है। एक समय प्रबद्ध का बंद होते हुए, एक समय प्रबद्ध का उदय आते हुए भी सत्ता में, मतलब अस्तित्व में इतना विशेष रहता है, तो
यहाँ अनेक समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध में से एक एक निश्चय वर्तमान में उदय में आता है, एक समय प्रबद्ध कर्म। और यहाँ अनादिकाल से कर्म और उसका संबंध अनादिकाल से है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ नया प्रारंभ हुआ, इसलिए उसकी जो श्रृंखला है कभी तोड़ी ही नहीं श्रृंखला, वो निरंतर एक समय भी ऐसा नहीं गया कि जिस समय हमने कर्म का कर्म की कमाई नहीं की, हर समय कर्म की कमाई चल रही है। तो यहाँ 48 समयों का पर एक अंक संतुष्टि से गणित लेकर के यहाँ पर दिखाया है, हमेशा वो उदाहरण वही लेते हैं। तो 48 समय पहले हमने कर्म एक समय प्रबद्ध को बांधा, मतलब आबादा उसमें ऐड करना, मतलब उसके आबादा और 48 समय, इतना हमने पहले समय प्रबद्ध, उस उतने समय पूर्व हमने एक समय प्रबद्ध बांधा है, तो उसका क्या होगा, आबादा के बाद एक एक निषेध उदय में आना प्रारंभ होता है। तो यहाँ हमने 48 समय प्रबद्ध पहले बांधा हुआ जो है, ये पहला समय लेते हैं यहाँ पर, तो इधर से चालू करते हैं। तो इस समय में बांधा हुआ आबादा गई ऐसा समझो, ये उदय रूप निषेध की ऐसा समझो ये मतलब। तो इस समय उसका पहला निषेध से लेकर के 48 समय में उसकी रचना होगी। यहाँ 512 पहले जो निकाला था ना अपन निषेक, 512 का एक निषेक, मतलब इतने परमाणु एक समय में उदय में आते हैं ये माना हुआ है, वास्तविक गणित में आने तो परमाणु है 480, फिर तीसरे समय में कितने आएंगे 448, 32 कम करना जय क्रम से, फिर चौथे समय में 416, पांचवे समय में 384, छठे समय में 352, सातवें समय में 320, आठवें समय में 288। अभी आप बीच में बहुत सारे गुना हानियां हैं ना, इसकी अपेक्षा अंक संतुष्टि की अपेक्षा से 6 गुना हानि है, बीच में 4 गुना हानि आएगी, फिर इसके बाद अंतिम गुना आने में कितना है 16, या थोड़ा ही निकालते अपन, थोड़ा ही निकालते 12, 11, 10 और 9। तो यहाँ वर्तमान में अपन यहाँ बैठे हैं, अभी कहा है यहाँ पर है, और 48 समय पहले बांधा हुआ उसका अंतिम विषय के यहाँ उदय में आ रहा है, उसकी रचना ऐसे हुई थी, ये सब उदय में आकर के खिल गई, इसकी निर्जरा हो गई। अब इसके दूसरे समय में भी हमने बांधा था, चुप नहीं बैठे थे, एक कमाया फिर खाया फिर कमाया, ऐसा नहीं, कमाना चालू ही है। तो दूसरे समय में भी और एक समय प्रबद्ध की कमाई हुई थी, तो उसकी रचना यहाँ से होगी, यहाँ पर इतना समझना आबादा के बाद है, समझना। तो यहाँ आबादा के बाद 512 पहला निषेक यहाँ आएगा, उसके ऊपर 480, फिर 448, 416, 384, 300, 320, 288। तो और इसके बीच में भी निषेक होंगे, और इसका यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 10 और यहाँ ऊपर 9। मतलब अभी दूसरे समय में जो बांधा था 48 समय पूर्व बांधा था उसका पहले यहाँ अंतिम निषेक शेष बचा है, उसके बाद मतलब 47 समय पूर्व हमने जो बांधा था उसके दो निषेक अभी शेष है 10 और 9। 10 तो अभी वर्तमान में उदय में आ रहा है और 9 बाद में उदय में आने वाला है अगले समय में। उसके तीसरे समय में जो बांधा था उसकी रचना यहाँ से होगी आबादा के बाद। ये दीदी 46 के समय में बांधा, हाँ 46 समय पूर्व हमने बांधा हुआ थी आबादा अधिक 46 समय ऐसा लेना आबादा सब जगह, तो 480, 448, 416, 488, हाँ ऐसा लिख देते हैं। मतलब ये एक एक
वहाँ ऐसे देखेगा, तिरछा सब देखेगा इसे। और यहाँ पर 12, 11, 10 और यह 9, तो ये तीन समय रचना इसके आगे जाएगी, मतलब 46 समय पूर्व हमने जो बांधा हुआ है उसके तीन निशे का भी शेष है। और एक यहाँ उदय है, वो भी सप्ताह में ही कहेंगे, अगर उदय आगे अगले समय में वो निर्जरित हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ 45 समय पूर्व में जो बांधा हुआ था उसके जो है यहाँ यहाँ पर सब है, बीच में सब है, यहाँ इसका 13 आएगा, 12, 11, फिर उसके आगे आगे जो है एक एक निषेक जो है आगे आगे, पहले बाद बाद में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है उसका एक एक निषेक ज्यादा शेष रहेगा। यहाँ पर 14, 13, 11, 10, 9, ये सब नीचे लिखे हुए एक खिरे हुए हैं, मतलब इसका उदय आया हुआ है और जो ऊपर है वो शेष बचे हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 512 से लेकर 9 तक सभी जगह क्या है निषेक रचना है, यहाँ बीच में भी है। तो ये एक गुणहानि यहाँ पर अंतिम गुणहानि है ना, एक गुणहानि हो गई, अब नीचे की गुणहानि है तो यहाँ 32 नहीं आएगा, 18 आएगा, नीचे 32 आएगा, ये 9 का दुगुना 18 आएगा, मतलब ये अंतिम गुणहानि है ना, उसके द्विचरम गुणहानि यहाँ से चालू हो गए नीचे। अपने 6 गुणहानि की थी ना पहले, ये गुणहानि फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 6 गुणहानियाँ की थी। तो ये सब ऐसा अपन देखेंगे तो ये पूरा ऐसे त्रिकोणाकार हो जाएगी रचना। यहाँ पर भी बीच में बांधे हुए सब समय प्रबद्ध के निषेक है, वो बीच का छोड़ दिया आपका, हाँ से देखते चलते हैं। तो अभी यहाँ पर अंतिम जो गुणहानि है तो उसके इधर से देखते हैं, यहाँ 288 आया और ऊपर उसके दूसरी गुणहानि चालू हो गई, 256, 240, 244 और यहाँ नीचे जो है वो 320, 352, 384, 416, 480, 448, 480 और 512। 288 जो वो नीचे के गुणहानि हैं। हाँ, नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं, अंतिम गुणहानि के जो मतलब समय प्रबद्ध है ना 8,
बोले अंतिम आठ ले रहे हैं, ये पहले आठ लिए ऐसे अंतिम आठ ले लेंगे यहाँ पर। इसके अगले समय में बांधा हुआ इसका यहाँ से चालू होगा 500 बार। बोले इसके पहले आठ समय में बांधा हुआ जो समय प्रबद्ध है तो उसका यहाँ आठवां निषेक आएगा और ऊपर सब बाकी के सब निषेक आएंगे। फिर उसके सात समय पहले बांधा हुआ जो है उसका यहाँ 512 यहाँ से चालू हो गया और फिर यहाँ 480, 448, 416, 384, 352 और यहाँ 320 आएगा और फिर यहाँ सब जो शेष बचे हुए सब आएंगे। तो यहाँ पर सब 352 एक एक कम होते जाएंगे ना, ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना रचना। ये आठ समय पहले बांधा हुआ समय प्रबद्ध उसकी ये रचना खातरे कौन की अपेक्षा। सात समय पहले बांधा हुआ समय, जिस समय में हमने बांधा उस समय से आबादा छोड़कर उस समय से उसकी निषेक रचना होगी। तो उसका पहला निषेक जहाँ आबादा खत्म हुई वहां से चालू होगा ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा। फिर उसके बाद के समय में बांधा उसकी रचना यहाँ से चालू है 480, 488, 16, 384। इसके बाद यहाँ बांधा हुआ 512, 480, 448, 416, 512, 480, 448। दिखते क्या अक्षर 416, 512, 480, 448, 512, 480 और यहाँ 512। इसके ऊपर भी सब है अभी अपने को। इस प्रकार अब ऊपर आ नहीं जाएगा यहाँ। इसके ऊपर भी सब मतलब यहाँ पर ये आबादा बीत करके पहला ही इसका समय है, ये जो समय प्रबद्ध है और इसके आगे सब पूरी नाना गुणहनम की रचना है। यहाँ से उसका उदय चालू हुआ है 512, फिर इसके बाद 480 आने वाला है, 448 आने वाला है, फिर 416। इसके पूरे 512 से लेकर 9 तक सभी अभी निषेक सत्ता में है। जो अभी दो ही समय बीत गया है आबादा होकर के, उसके एक 512 पहले अभी इस वर्तमान समय से पहले उदय में आकर के खिल गया है, उसका 480 अभी उदय में आएगा और आगे के जो है 448, 416 सब सत्ता में, 9 तक सब सत्ता में है। अभी तीन समय जिसको बांध करके हुए हैं उसका दो निषेक खिल गए हैं और तीसरा निषेक अभी उदय वर्तमान में उदय में आ रहा है। फिर आगे के सब निषेक सत्ता में पड़े हुए हैं 400, 16, 384 सब 9 तक है ऐसा समझना इसकी रचना पूरी। अब यहाँ ये चार समय पहले बांधा हुआ जो है जिसको चार समय हुए उसका अभी चौथा निषेक वर्तमान में उदय में आ रहा है। तीन समय पहले उदय निषेक उदय में आकर के खिल गए हैं और 416 से लेकर 9 तक जो पूरी अपन रचना करते हैं ना निषेक रचना, ये आबादा और यहाँ से पहला निषेक 512 से चालू करते हैं तो
तो अंतिम नाना गुना ने नव होती है रहा नव निषेकात है। ये हर समय प्रबद्ध की यहाँ पर जितने भी समय प्रबद्ध रखे ना सब में 512 से लेकर 9 तक, 512 से लेकर के 9 तक सब ऐसे समय प्रबद्ध की रचना हुई है। और उसमें से जितने आबादा के बाद जितने निषेक उदय में आकर के फिर गए हैं उसको नीचे लिखा है। और यहाँ जो एक लाइन खींची है इसके ऊपर जो निषेक है अभी वर्तमान में 9:48 समय के पहले जो बांधा था उसका अंतिम निषेक उदय में आ रहा है। 47 समय पहले बांधा था उसका 10वां तो मतलब अंतिम से दूसरा निषेक 10 परमाणुओं का निषेक उदय में आ रहा है। उसके बाद 46 समय हुए उसका 11वां निषेक मतलब 11 निषेक उदय में आ रहा है। इस प्रकार बाद बाद में बांधे हुए जो उसके आगे आगे के निषेक ये उदय में आ रहा है और इतने सत्ता में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी एक वर्तमान समय में देखेंगे तो 9 से लेकर के 512 तक पूरा का पूरा उदय दिख रहा है। एक समय में हमने बांधा वो भी 6300 है 512 से लेकर 9 तक है तो लेकिन वह एक समय में बांधा उसकी रचना अनेक समय में हो गई। वो एक समय में उतना पूरा का पूरा उदय में नहीं आया उसमें से एक ही निषेक एक समय में उदय में आया। हाँ इस प्रकार सभी की रचना 6348 समय में उसकी रचना हुई और ये एक समय में इतने उदय में आ रहे हैं। कितने उदय में आ रहे हैं एक समय यहाँ जो 512 से लेकर 9 तक है वे पूरे के पूरे निषेक अभी तिरेक रूप से देखो तो पूरे के पूरे हैं वहाँ पर। लेकिन ये सब निषेक 48 समय में बांधे हुए थे एक समय में बांधे हुए सब नहीं है 6300 48 समय पूर्व बांधा हुआ उसका एक निषेक 47 समय बांधा पूर्व बांधा में हुआ उसका एक निषेक। इस प्रकार ये तो अपना अंक गणित 48 समय का है। वास्तविक गणित देखेंगे तो 30 कोड़ाकड़ी सागर के रिश्ते बंद हुआ है तो 30 कोड़ाकड़ी सागर तक उसका उदय आता रहेगा ना 3000 वर्ष के बाद 70 कोड़ाकड़ी सागर बांधे तो उतने काल तक मतलब असंख्यात भाव पहले हमने बांधा हुआ अभी अपने पास सत्ता में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी अभी हम कहते कि हम इस भाव में तो इतना अच्छा काम करते हैं किसी को कुछ मतलब तकलीफ नहीं देते हैं परोपकार करते हैं प्रामाणिक रहते हैं फिर भी हमारे ऊपर इतनी आपत्ति आ रही है तो इसमें कुछ रखा नहीं है ऐसे लोगों का ये हो जाता है। लेकिन कितने असंख्यात भाव पहले हमने बांधा हुआ कर्म अपने पास सत्ता में पड़ा हुआ है वो उदय में आता रहता है। दीदी ये जो 512 से 9 की लाइन लगी है ना जोड़ किया तो एक समय प्रबद्ध हुआ। दीदी ये जो आपने 512 से 9 तक की लाइन लेंगे ऐसे बोलेंगे ना ये 48 समय में बंधा हुआ है उदय एक समय में एक समय में आ रहा है और एक ही समय में जो बांधा हुआ है वो नाना समय में उदय में आ रहा है। एक समय का जो बांधा है हाँ तो ये ऐसे 48 निषेक होंगे तो ये पूरे को भी एक निषेक कहते हैं इसको एक को भी एक निषेक कहते हैं और ये पूरा मिलकर के भी एक निषेक कहते हैं। तो जो एक समय में अपने निषेक की व्याख्या करते हैं ना एक समय में जितने परमाणु उदय में आते हैं उसको निषेक कहते हैं। एक समय में हम जितना बांधते हैं उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। दीदी 512 जो है ना 3:12 समय पे उदय में आ जाए मैंने बांधा 3:10 पे था 2 समय की वादा छोड़ दो तो ये आपका 512 से लेके 10 तक का ये उदय में आ गया। 4 बजे जो उदय में आएगा ये 9 से लेके 512 तक का सारा उदय में आ गया तो ये भी 512 400 से 448 तो उदय में बिखिर गए हैं ना। तो अब ये थ्योरम इस पे सारी लाई डाउन है कि एक समय में बांधा हुआ तो नाना समय में उदय में आया ये आया और ये जो आपने चौड़ाई में नाना समय का बांधा है ये एक समय में उदय में आया तब भी समय प्रबद्ध ही ऊपर का रह गया ये एक बात है। तो यहाँ पर जोड़ करेंगे ये जो यहाँ लाइन के नीचे है वो खिरा हुआ है इतना ना ज्यादा खिर गया है और शेष कितना है डेढ़ बढ़ाने प्रमाण सत्ता में है तो इस सब का जोड़ करेंगे इसको त्रिकोणाकार रचना कहते हैं। अभी आप बीच में सब निकाला हुआ नहीं है पूरा का पूरा निकालेंगे तो इसमें पुस्तक में भी नकाशा निकाला हुआ है तो पूरा का पूरा वो त्रिकोण रचना होती है उसकी बराबर ये नीचे भी खिरा इसकी भी त्रिकोण रचना
और ऊपर जो फिर विशेष है सत्ता में उसकी भी त्रिकोणाकार रचना होती है। तो इसका सबका जोड़ करेंगे, वो डेढ़ गुण हानि गुण कैसे आता है इसको आपको प्रतिति कराएंगे कि इतना सत्ता में कैसे रहता है डेढ़ हानि गुण। ये तो समय प्रबंध प्रमाण, ये जो नाना समय में आपने बांधा ना, अड़तालीस समय में आपने समय प्रबंध, इन सब की अबाधा पूरी होने के बाद काल उस समय 4 बजे पड़ना, तो वो सारा उदय में एक समय में सब, अनेक समय में असंख्यात समयों में बांधा हुआ सब एक समय में उदय में आ रहा है। काल सबका सबका एक 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 विशेष उदय में आ रहा है। जैसे अपन कहते 10 लोगों से हमने खर्चा लिया तो एक आता है तो सबका एक एक हफ्ता देते हैं। एक महीने में जिसका पहला निकाल है उसका अंतिम हफ्ता है, दूसरे महीने में जो निकाल है उसका लास्ट से दूसरा हफ्ता है, फिर तीसरे महीने में जिससे हमने कर्जा लिया है उसके अभी कितना बचा है, 3 हफ्ते बचे हैं। तो इस प्रकार 12 महीने में हमने 12 लोगों से लिया है कर्जा, तो उन सबका किसी का पहला हफ्ता है, किसी का क्या बोलते हैं हफ्ता, क्या बोलते हैं हफ्ता सप्ताह, नहीं नहीं एक एक वो करते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं अभी जो कर्जा चुकाते हैं ना थोड़ा थोड़ा अंश अंश से देते हैं, इंस्टॉलमेंट करते हैं, हाँ मतलब एक महीने में इतना है, दूसरे महीने किस्त किस्त बोलते हैं हिंदी। एक क्वेश्चन था, ये जो आपने अभी बोला है ना कि श्रद्धा विपरीत हो जाती है, नाना समय हो गए एक समय में आए, तो ये जो नीचे का है आपने बांधा तो असंख्यात वर्षों में पहले से बांध रहे हो अनादिकाल से, जब वो उदय में आया तो सभी कर्म के नाना समय में बंधे हुए उदय एक समय में पुंज उदय में आएगा, तो अब हम ये नहीं कह सकते हमने तो भला किया, ये सारे ही पुंज आ रहा है ना आपको उदय पिछले समय का, ठीक है ना दीदी ये बात, हाँ क्योंकि थ्योरी फिट बैठने में ठीक है। फिर अभी यहाँ जो सत्ता में रहा है इसके यहाँ से लेकर के 500 माइल तक ये ऊपर नौ तक है, ये सब पूरे मतलब 48 समय है ये, तो 48 समय की क्या करेंगे अपन 6 6 8 8 के एक एक गुण हानि करेंगे इसमें भी, हाँ 6 गुण हानि होगी नाना गुण हानि, तो इन 8 8 का जोड़ करेंगे, पहली गुण हानि का जोड़ करेंगे, फिर दूसरी गुण हानि का जोड़, तीसरी गुण हानि का जोड़, इस प्रकार 6 नाना गुण हानियाँ हैं उसका जोड़ करेंगे। इतना समय प्रबद्ध का जो एक है वो समय प्रबद्ध से लेकर के अभी वर्तमान में पूरा का पूरा जो सत्ता में है समय प्रबद्ध वहां तक वो सबका निषेध पूरा घिरे हुए और कुछ सत्ता में पड़े इसके पूर्व जाना, तो अभी अपने को जो सत्ता में वहां से अपने दिखाया था ना 512 अभी उसको इधर लिखा है, मतलब अभी वर्तमान समय में जो समय प्रबद्ध आबादा बीतकर पहला समय हुआ उसको 512 से लेकर के 9 तक सभी निषेध सत्ता में, फिर उसके पहले उसके पूर्व समय में जो बांधा हुआ है 512 तो नहीं है उसका, लेकिन 480 से लेकर के 9 तक है, फिर उसके बाद में जो बांधा हुआ है उसका 448 पूर्व में बांधा हुआ है उसका 448 से लेकर के 9 तक है, इस प्रकार ये कहाँ तक होगा यहाँ, ऐसे करते करते यहाँ पर जो 48 समय पूर्व में बांधा था उसका केवल 9 शेष रहे, तो इस प्रकार ये इधर से देखेंगे तो 9 10 11 12 13 यहाँ पर केवल 9 ही रहेगा, यहाँ पर कितने रहेंगे 10 और 9 या 11 10 और 9 12 11 10 और 9 एक एक समय प्रबंध के इतने शेष बचे, जो 48 समय पूर्व में बांधा था उसका केवल एक निशेष बचा हुआ है, उसके 47 समय में बांधा हुआ उसके 2 है, 46 समय में बांधे उसके 3 निशेष शेष है, उसके ऐसे क्या करेंगे अपन नाना गुणहानियाँ 6 करेंगे, पूरा का पूरा आपकी किताब में होगा तो 252 320 288 इस सब में क्या है 9 तक के सब लेना, सभी में 9 तो होगा ही, तो एक एक पहली गुण हानि हुई, एक एक गुण हानि का जोड़ करेंगे,
एक लिखा है ना वहां से लेकर के 8 समय तक, उसको क्या कहेंगे, पहले गुणहानि कहेंगे, फिर उसके ऊपर जो है वो दूसरी गुणहानि होगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ऐसी 6 गुणहानियां होंगी उसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो कैसा देखेगा, आधा निषेध की अपेक्षा से अपन आधा देखेंगे, अगला जो है 256 से लेकर 9 तक, इसमें क्या होगा, 5 गुण हानि का द्रव्य शेष। यहाँ पर एक मतलब क्रम से अभी बताएंगे, इसमें पहले में पूरे के पूरे समय प्रबद्ध शेष है, ये दूसरे में क्या है 512 नहीं, 480 से लेकर के 9 तक है, जो सत्ता में रहा है ना उसका सब लेखा जोखा चल रहा है। फिर तीसरा जो समय ये निषेध है इसमें 448 से लेकर 9 तक है, इसमें 512 और 480 दो नहीं है, इसमें 512, 480 और 448 तीन नहीं है, बाकी शेष सभी है। इसमें 384 में पहले 4 नहीं है, बाकी शेष सब है। ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो एक एक निषेध कम होता गया है, तो इसकी जो इसका जो जोड़ होगा उस सबका जोड़ कितना आएगा उसको पहले कर यहाँ करेंगे। तो यहाँ आपके सामने तो आपके सामने पुस्तक देते ना जीव कांड की, उसमें जो पहली गुण हानि है तो 512 से लेकर 9 तक उसका जोड़ कितना है, 6300 है। उसके ऊपर आप बताना कितना है, 512 कम करेंगे इसमें तो कितना है वहां पर, 5788 होगा, 788 होगा, फिर इसमें से 480 और कम करो तो कितना होगा, 5380 कम करो 308 बराबर है। पहली गुणानी है ना इसमें ऊपर ऊपर लिखे हुए जो 6300 लेकर के 6300 है, फिर 5788 है, फिर 5308 है, इस प्रकार ये यहाँ तक। हाँ, उदय रूप समय प्रबद्ध ये है ना 512 से लेकर के लोग, ये नहीं ये तो ये तो सब सप्ताह में पड़े हुए हैं। आप जो उस समय बताया था वो ऐसा सब आधी लाइन आई थी, वो उदय रूप है ना, उसी को हमने यहाँ उल्टा लिखा है, 512 से लेकर 9 तक, उधर से 512 इधर लिया और ये 9 तक लिया, ये है ना। तो ये 47 पूर्व समय में जो बांधा हुआ था उसके ये दो निषेध शेष बचे, ये पूरा उदय का लेंगे इधर और ये पूरा बंद का लेंगे। ये जो 9 है ना ये 48 समय पूर्व में बांधा हुआ था उसका है निश्चित, ये 9 है और ये 10 है वो 47 समय में पूर्व में बांधा हुआ था उसका है, ऐसा आएगा। ये जो पूरी रचना ऐसी ली थी ना वही उल्टे हमने इधर कर दी, यहाँ नहीं 512 से लेकर के 9 तक नहीं है, 6300 है निषेध, 6300 है। दूसरा जो निषेध है उसमें 512 नहीं है, तीसरे में जो है 512 480 नहीं है, वो जीवकांड की नोट सब चाहिए थी तो उसमें एकदम स्पष्ट होता है, नहीं मुझे तो सब दिमाग में है लेकिन सबके सामने तो वो जल्दी समझ में आता है, वही है ना यहाँ पर वो है 480 पे समय दूसरी गुणानी पूरी की पूरी आ जाए वो बनाने में आ रही, मतलब क्या 480 पे आपका पूरा समय प्रबंध आना चाहिए ना, उदय में आपने कहा किसी भी लाइन पे आप करो वो छोड़ दो, अभी ये सत्ता में रहा है उसका चल रहा है, उसके पहले जाएंगे तो सभी रहेंगे वहाँ, अभी यहाँ पर जब आएंगे तो आगे, अभी जो वर्तमान समय में यहाँ बाधा खत्म होगी उसका 512 यहाँ आकर के चिपक जाएगा ना, किसका, हाँ पहले वाले का चिपक गया, इसका नहीं आएगा यहाँ पर, इसका नहीं जो पहले बांधा हुआ इसके बाद में जो बांधा हुआ है उसका 512 आएगा चिपक जाएगा, तो पूरा समय वो आगम होगा ना, वो जहाँ पर उस समय जाएंगे तभी होगा ना वो। अभी आगे चलो यही पर अटक गए, तो क्या हो गया, ये नाना गुण हानियां 6 करेंगे तो उसकी यहाँ पर जोड़ कर रखेंगे,
तो जो पहली गुना हानि है वो कितना है, 288 से लेकर के 9 तक ये अंतिम में है, और पहले में 512 से लेकर के 9 तक, मतलब 6363 में से यहाँ पर क्या है इसमें, इस निषेक में 512 नहीं, इसे तीसरे में क्या नहीं है 512 480 नहीं है, इसमें 512 480 और 448 नहीं है, बीस में 4 निषेक का अभाव है। तो अभी पहले हमने केवल एक गुना हानि लेंगे और इसका जोड़ करेंगे, इसका कितना आता है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि यहाँ अभाव द्रव्य जो है उतना उसमें मिलाओ, फिर उस गुना हानि का जोड़ करो। तो जैसे यहाँ 512 का अभाव है तो 512 यहाँ दे दो, फिर यहाँ 512 480 नहीं वो भी दे दो, फिर यहाँ 512 480 448 नहीं है उसको दे दो, वहाँ रखो। तो कितना अभाव द्रव्य, जितना अभाव द्रव्य, कितना अभाव द्रव्य है उसको यहाँ निकाल। पहले में तो पूरा है, दूसरे निषेक में 512 नहीं है, यह अभाव द्रव्य कहेंगे इसको, दूसरे में। तीसरे निषेक में क्या है, 512 और 480 नहीं है। चौथे में 3 नहीं है, 512 480 और 448 3 कम है। फिर पांचवे में 4 कम है, 512 480 448 और 416 इतना नहीं है, 512 फिर 480 448 416 और 324। छठे निषेक में इतना कम है, सातवें निषेक में 512 480 448 384 और 320 352 है। फिर आठवें में 512 480 448 416 384 352 और 320, इसको कहते हैं अभाव द्रव्य। मतलब इतना द्रव्य हम इसमें दे देंगे, इसमें तो पूरे के पूरे सब 6300 ही बनेंगे, सब समान बच जाएंगे, समोपट्टी का होगी। ये यहाँ पर ये कम है ना, इतने निषेक, तो यहाँ इतना अपन ने जो अभाव रूप द्रव्य दिया है वो दे देंगे तो ये पूरे ही संपत्ति का भर जाएंगे। मतलब यहाँ हर निषेक में 6300 6300 6300 हो जाएंगे, क्योंकि उतना उतना कम है ना यहाँ पर। तो इसमें इतना द्रव्य दिया हमने ऋण रूप से इसको, तो ये पूरे संपत्ति का हो जाएगा। मग इस सबका जोड़ कितना आएगा अभाव द्रव्य देने के बाद, 8 निषेक है, हर एक में 6300 हो गया, तो कितने हो गए 6300 गुना 8, पूरे 8 निषेकों में सब में समय प्रबद्ध हुआ ना, तो एक समय प्रबद्ध 6300 का, तो 8 में कितने हो गए 6300 × 8, इसको कहते ऋण सहित धन। ये ऋण मतलब इसमें ऋण मिला दिया हमने, ये कम था ये उसमें दे दिया, अब इसका वापस हम निकाल लेंगे बाद में, सबका जोड़ करेंगे और सबका एक साथ निकाल देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ऋण द्रव्य, प्रथम ऋण, इसको क्या कहेंगे, प्रथम ऋण। अब इस सबका जोड़ करना है, इस सबका, तो जोड़ करने के लिए सरलता के लिए क्या करेंगे, अब इसमें जितने चय कम है उतने दे दो, इसमें 480 है इसको भी 512 करो, सबको 512 करना है, तो इसमें कितना चय मिलाना पड़ेगा, एक चय मिलाना पड़ेगा 32। यहाँ पर लिखती हूँ, इस दूसरे निषेक में कुछ मिलाना नहीं है क्योंकि यहाँ 512 पूरा है, यहाँ 512 और 480 है, तो यहाँ एक चय मिलाना पड़ेगा 32। तीसरे निषेक में एक 32 मिलाएंगे, फिर चौथे निषेक में यहाँ एक चय और यहाँ दो चय मिलाने पड़ेंगे यहाँ, तो 32 कितने हुए, यहाँ पर एक मिलाए, यहाँ पर 3 मिलाए,
फिर पांचवें निषेक में 32 कितने मिलाने पड़ेंगे, यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ तीन, तीन और दो पांच और एक छः, 32 कितने देने पड़ेंगे, छः। फिर छठे में यहाँ पर, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, चार और तीन सात और दो छः, सात और दो नौ और एक दस। छठे निषेक में 32 कितने दिए, 10 दिए। फिर सातवें निषेक में और पांच ज्यादा हो जाएंगे, 352 में अपन पांच और देंगे ना 32, तो 15 हो जाएंगे। आठवें निषेक में और छह जुड़ जाएंगे, 32 और कितने देंगे, 21। इतना इतना द्रव्य इसमें अपन जोड़ देते हैं तो सब पूरे के पूरे 512 बन जाते हैं। 480 भी 512 होगा, ये भी सब 512 हो जाएंगे। तो इसकी लाइन क्या होगी, यहाँ पर एक, यहाँ जो है वो 512 एक है, फिर 512 दो, तो निषेक हो गए ना ये और ये, फिर 512 तीन, 512 चार, 512 पाँच, 512 छः, 512 सात, सात तक ही आएंगे, सात है ना। हाँ पहले तो 512 यहाँ है ही ना, अपने दिया नहीं है यहाँ पर, है ही उसका विद्यमान, ये अभाव द्रव्य दिया हुआ है, मतलब इसको प्रथम ऋण कहा और इस ऋण में और ये ऋण मिलाया, प्रथम ऋण में दूसरा ऋण मिलाया तो दो ऋण हो गए। इस धन के, इस धन, इस धन, ये धन हमने सब को ये समान करके किया है, तो इस धन में क्या करेंगे, ये ऋण और ये ऋण माइनस करना पड़ेगा। तो प्रथम ऋण कहा था हमें, तो इसमें 32 दिया, वो द्वितीय ऋण हुआ, तो इनका जोड़ करेंगे, इनका जोड़ कितना होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ती हुई संख्या है और गुणहानि में एक कम है, तो कितना जोड़ाएगा, बराबर एक कम, नहीं नहीं एक कम गच्छ का एक बार संकलन, एक दो तीन चार पाँच छः सात है ना, एक एक से बढ़ती हुई संख्या है, तो इसको क्या कहेंगे, एक बार संकलन। तो एक कम गच्छ का मतलब आठ में से एक कम करो, मतलब अपन अंकगणित से सात लिखेंगे, गुना आठ करेंगे, बटे एक बटे दो, ये संकलन करने का सूत्र हो गया। तो इसका अपन जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, तो जो जितना आएगा उसका इस सब का जोड़ आ जाएगा, तो कितना है यहाँ पर, 2 चौक 8 7 चौक 28, 512 × 28 होगा, या अपन 512 × 8 करो तो कितना आता है, 4096 आता है, और उसको 7 से गुना करो तो 742 अच्छा 4 97 9 9 7 63 4 67 अच्छा 6 7 6 7 6 28 है, गलत हो गया, 28,672 हुआ। हाँ अभी ये कर, हाँ ये इसको दो से भाग दिया दिया है ना, ये दो का चार, हाँ आठ से किया क्या मैंने बराबर, ये चार से करना चाहिए था, 200 करो तो चलेगा यहाँ पर, हाँ तो बे के बे, बे चौक आठ, बे तीन सह, बे त्रिक, बे बेत्रिक साधा नहीं कोणा कोणा तीनच येणार नाही, आणि बेसक 12 14336 हुआ, हां ये पहिला रूल।
और ए रूल कितना हुआ, 32 रहेगा कॉमन। और ये जो संख्या है वो द्विकवार संकलन की है, 1, 3, 6, 10, 15, 21 इसको कहते हैं द्विकवार संकलन। मतलब इन एक एक और दो का जोड़ किया तो 3 आया, 1, 2 और 3 का जोड़ किया तो 6 आया, फिर 4 का जोड़ किया तो 10 आया, 5 को जोड़ा तो 15 आया, 6 को जोड़ा तो 21 हुआ। तो ये द्विकवार संकलन की संख्या है। तो एक घाटी गच्छ का, दो घाटी गच्छ का है, 3 से है, तो इसमें दो घाटी गच्छ मतलब 6 आएगा, 7 × 8 बटे 1, 2, 3 ये संकलन करने का सूत्र है। तो यहाँ पर बेतिया 6, 3 × 1 = 3 तो 32 × 8 होता है, 32 × 8 256, 256 × 7 7 × 42 अच्छा 4, 7 × 5 = 35 और 4 = 39 अच्छा 3, 7 × 14 = 17 कितना है 1792। तो इन दोनों ऋणों को जोड़ो और इसमें से माइनस करो, तो पहले गुणहानि का धन बराबर आएगा। अपन करके देखते हैं, तो एक बार 14336 प्लस 1792, 6 × 2 = 8, 9 × 3 = 12 अच्छा 1, 7 × 8 = 3 = 11 अच्छा 1, 4 × 5 = 6 और 16 और 16128 और इसका कितना आया 0 8 0 0 8 0 0 8 या 24 24 4 अच्छा 2 8 7 48 2 50 50,400 और ये ऋण माइनस करो उसमें से 16128 10 में से 8 गया 2 अच्छा 1 10 में से 3 गया 7 अच्छा 1 4 में से 2 गया 2 10 में से 6 गया 4 अच्छा 1 34,272 कितने पहले गुणहानि का वहाँ जोड़ आया थे देखो गलत हो गया नहीं ये दोनों ऋण ही हो गए ना, ये पहला ऋण और दूसरा ऋण, पहले ऋण में से दूसरा ऋण माइनस करो, तो फिर इसको माइनस करो यहाँ पर, पहले ऋण में से दूसरा ऋण माइनस ऐसा होगा उसमें, मतलब ये क्या है 50,400 माइनस नहीं यहाँ कितना था 14,336 इसमें से माइनस 1792 ऐसा होगा ना। तो यहाँ अकाउंट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे इधर, तो 14,336 इसमें से माइनस करेंगे, हाँ 14,336 में से माइनस करेंगे 1792 छः में से दो गए 4 अच्छा 1 मिला करके किया है ना, तो इतना इसमें ऋण है वो कम करना पड़ेगा मतलब, क्योंकि आप हमने ये इतना ही करते तो एक ऋण हो जाता, लेकिन इसको 512 करने के लिए दूसरा ऋण दिया है तो ऋण का ऋण हो गया मतलब, तो इसलिए इस ऋण में से ऋण माइनस करो और जो शेष बचा हो इसको इसमें से माइनस करो। तो यार 6 में से 2 गया तो कितना है 4, 13 में से 10 गया नहीं 13 में से 9 ही गया तो 4 ही बचा अच्छा 1, 13 में से 8 गया 5 बचा अच्छा 1, 4 में से 2 गया 2 और 1 यहाँ इसमें से ये माइनस किया ऋण तो 12,544 है और 50,400 में से मतलब यहाँ पर ये इसका जोड़ आ जाएगा ये 12,544
जो है वो इसका जोड़ आ गया, ये 32 मिला है उसका, वो अपन ने कम किया तो फिर इतना रह गया। इसका अपन जोड़ करेंगे तो ये 12,544 आएगा, और उसको 50,400 में से माइनस करेंगे, 12,544 इसमें से माइनस किया तो 10 में से 4 गया 6, हत्सा 1, 10 में से 5 गया 5, हत्सा 1, 14 में से 6 गया 8, हत्सा 1, 10 में से 3 गया 7, 5 में से नहीं 2 गया ना, 5 में से 2 गए 3, तो अब पहला गुणाने का जोड़ 37,856 आता है। मतलब यह जो 8 पंक्तियां की थी ना अपन ने, यहाँ पर अभी 8 पंक्ति की थी, 512 से लेकर के 9 तक वो 6,300 थे, फिर 480 से लेकर 9 तक ये 5,788 थे, फिर 448 से लेकर 9 तक 5,308 थे, फिर 420 से लेकर के नहीं 416 से लेकर के 9 तक तो उसको उसमें और 448 कम हुए। इस प्रकार 288 लेकर 9 तक तो इन सब का जो जोड़ है वो इतना आता है, वो पहले गुणाने का जोड़ कहेंगे। कितना आता है यह 37,856 आएगा। इसी प्रकार दूसरे गुणाने का, अब अर्थ संतुष्टि से अपने को क्या करना है, ये केवल ऐसा ही रखना है। क्या रखेंगे, 512 पहला रो, 512 गुणित 8, एकदम बच्चे का एक बार संख्या, या तो एक नहीं लिखते ऐसा ही एक प्रथम ऋण कहेंगे इसको, और द्वितीय ऋण जो आप उसको पूर्ण करने के लिए दिया हुआ ये दूसरा ऋण वो कितना है, दो कम गच्छ का दो बार संकलन, 8 कम में से 2 कम किया, 8 में से 1 कम किया, मतलब गुणहानि में से 2 कम, गुणहानि में से 1 कम, और पूरे पूर्ण गुणहानि, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 लक्ष्य आएगा। 3 कम 3 गुणहानि कर सकते हैं कहां पर, ऊपर का गुणकार नहीं होगा ये, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर, एक गुणहानि में 2 कम, दूसरे गुणहानि में 1 कम, इसलिए गुणहानि पूरी पूरी है, तीन कम तीन गुणहानि हो सकते हैं। इसका गुना करना है ना परस्पर, ये जोड़ना नहीं है, दो कम गुणहानि गुणित एक कम गुणहानि गुणित गुणहानि ऐसा गुना करना है, फिर उसको 1, 2, 3 से भाग भी देना है। तो ये पहला ऋण है और ये दूसरा ऋण है। और घन क्या है, 6,300 मतलब एक समय प्रबद्ध गुणित गुणहानि, 6,300 × 8 ये क्या है, धन है, ये ऋण सहित धन कहेंगे इसको, क्या कहते हैं, ऋण सहित धन। और इसमें से देना कितना है, इतना, और इसमें से ये माइनस करना है, तो इस प्रकार इसमें से ये माइनस करके इसमें से निकालेंगे तो ये अभी आया था 37,856, ये पहली गुणहानि का जोड़ आया। यहाँ पर 256 से लेकर के दो एक उसमें 256 ऐसे इसके आधे आधे आएंगे, 256 यहाँ पर, 256 यहाँ पर, 240, 224, 208 ये सब दूसरे गुणहानि के निषेक हैं, पहले गुणहानि के कोई भी निषेक उसमें नहीं होंगे, मतलब पहले जो गुणहानि होते हैं उसमें 256 से लेकर के इसमें वो करना है, ये थोड़ा सा इसको पूरा करते अपन, फिर वो दूसरे गुणहानि का देखेंगे। इसको यहाँ इस प्रथम ऋण में से द्वितीय ऋण माइनस करना है अर्थ संतुष्टि से, या तो अपने अंक की अपेक्षा से निकाल करके दिखाया, यहाँ अर्थ संतुष्टि की अपेक्षा ऐसा ही रखेंगे, इसमें केवल इसमें से माइनस करना है, यहाँ पर 2 है नीचे। अब यहाँ क्या करना है, छेद समान करना है, क्योंकि यहाँ 3, 2 × 3 है और यहाँ केवल 2 है, तो छेद समान करेंगे तो 3 का ऊपर और नीचे गुणा है, उसको एक बार संकलन कहेंगे क्या, ये एक बार संकलन है, ये दो बार संकलन है।
तो 512 गुना 8 गुना गुणित दो करेंगे ना, बटे नहीं तीन करेंगे ना, नहीं नहीं अभी समच्छेद करेंगे ना पहला। 512 को 32 से भेदन करना, यहाँ 32 टर्म है ना, तो इसी टर्म में इसको लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 32 गुना 16 बराबर 512, मतलब दो गुना हानि, तो 16 की भी क्या करेंगे यहाँ दो गुना हानि करेंगे, 32 गुना 8 गुना 2, ये 512 का ही अपन ने भेदन किया, और यहाँ नीचे दो ही है, फिर यहाँ समच्छेद करेंगे बाद में, ये पूरी संख्या ऐसी आएगी, फिर इसमें वापस तीन का समच्छेद किया, तीन का गुणा किया और तीन से भाग दिया, माइनस ये राशि ऊपर 32 तो इसमें क्या करेंगे अभी, इसमें जो दो गुना तीन छह गुनाहानी हो गई, ये तीन है ना और यहाँ दो है, तो इसकी कितनी गुनाहानी हो गई, छह गुनाहानी, तो छह गुनाहानी में से एक गुनाहानी को अलग निकालेंगे और पांच गुनाहानी को, मतलब एक गुनाहानी में से ये माइनस कर देंगे इसको, एक गुनाहानी का जितना प्रमाण आता है ना, ये समझ में ना, यहाँ दो है, यहाँ कितना है तीन है, तो दो गुना तीन करने से छह हो जाएगी ना, 32 गुना 8 गुना 6 मतलब 6 गुना नहीं हो गई, 8 मतलब 1 गुना हानि और 6 गुना यहाँ पर कम और 1 गुना हानि बटे 6। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 गुना हानि को रखो और 5 गुना हानि का अलग रखो 6 गुना हानि में से, तो 5 गुना हानि का अलग क्या आएगा, 32 गुना 5 गुना हानि गुना 1 का गुना हानि गुना छः, और यहाँ कितना रह गया, एक गुनहानी रह गई केवल, एक लिखो या न लिखो, और इसमें से ये माइनस करेंगे, अब एक गुनहानी में से ऋण कम कर देंगे, तो यहाँ पर समान समान संख्या निकालो, तो 32 गुना ये एक कम गुनहानी, यहाँ पर एक कम गुनहानी है, यहाँ एक गुनहानी है, यहाँ एक गुनहानी है, यहाँ दो कम गुनहानी है और यहाँ एक गुनहानी है, तो एक गुनहानी में से दो कम गुनहानी माइनस करेंगे, पांच गुनहानी का अलग रखा ना बराबर, फिर यहाँ वही लिया है, मतलब यहाँ पर ये समान संख्या लिखती हूँ, पहले 32 है गुना यहाँ, ये दोनों जगह समान है, एक कम गुनाने और एक कम गुनाने, ये पूरी गुनाने और एक पूरी गुनाने, तो यहाँ एक कम गुनहानी गुनहानी ये सब पूरा हो गया, ये इधर से ले लो कोई भी, ये ले लो, अब यहाँ पर एक गुनहानी बच्चे और एक दो कम गुनहानी बच्ची, तो इस गुनहानि में से गुण का जो शेष बचता है उसमें से इसका माइनस करेंगे ना, ये गुनहानि पूरी है और यह दो कम गुनहानि, ये माइनस करना है इसमें से, तो शेष क्या बचेगा, आठ में से आठ गया प्लस दो हो जाएगा, हाँ दोनों कुछ भी करो ना चलेगा, ये आठ में से दो कम करो छह बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो दो प्लस किया तो चलता है, तो दो शेष रहा यहाँ पर, उसको क्या क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे केवल दो गुना करेंगे ना, केवल दो प्लस करेंगे उसके ऊपर, दो ही लिखेंगे, दो ही लिखा है, तो ये दो इधर लिखा है 32 के आगे, 32 गुना दो गुना एक कम गुनहानी, मतलब यहाँ इस गुनहानि में से यहाँ दो कम गुनहानि माइनस की, तो दो शेष रहेगा ना, ये दो कम गुनहानि मतलब छः है और ये पूरी गुनहानि मतलब आठ है, आठ में से छः गए कितना रहा, दो रहा, दो लिखा है, और
घटे को नहाने और घटे छह। तो इस एक गुनहानी में से हमने ये ऋण उड़ा दिया, ऋण दे दिया। अब इसमें ये पांच गुनहानी का अलग लफा है, वो जोड़ना है इसमें। तो यहाँ सब संख्या समान है, इसमें और इसमें संख्या समान है, केवल ये दो जो है इस आठ गुना पांच है उसमें अधिक हो जाएगा। पांच गुनहानी में दो अधिक हो जाएगा, या एक घाटी गुनहानी और एक घाटी गुनहानी, ये पूरी गुनहानी और एक गुनहानी, शेष क्या बचा आठ गुना पांच में पांच गुनहानी बचे, इसमें ये जो दो बच्चा है उसको जोड़ देंगे। तो कितना शेष रहा, ऋण ऋण कितना है ऐसा बोलेंगे कैसे इसको, एक कम बच्चे का एक बार संकलन है और उसका पांच दो अधिक पांच गुनहानी से गुणित, एक घाटी कच्चे का एक बार संकलन मात्र छह का तीसरा भाग, क्या कहेंगे, ये पांच गुनहानी दो अधिक है, फिर एक घाटी कच्चे का एक बार संकलन मतलब यहाँ दो गुना तीन है, यहाँ एक बार संकलन की संख्या इतनी आती है और इसमें तीन वापिस भाग है, तो तीसरा भाग हुआ है, दो अधिक पांच गुनहानी गुणित कम बच्चे का एक बार संकलन मात्र छह विशेषों का त्रिभाग। इतना ये प्रथम ऋण का, जैसे संस्कृत है ना उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है, इतना उसमें शेष रहता है। तो इसको एक क्या करेंगे, ये ऋण पहले गुणहानी का ऋण हुआ, प्रथम ऋण में से द्वितीय ऋण माइनस करने के बाद इसको स्थापित करेंगे यहाँ पर। प्रथम गुणहानी का धन कितना है, 6300 गुणित आठ में, एक गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध इसको कहेंगे धन, और ऋण कितना है, छह गुणित पांच गुणहानि अधिक दो गुणित एक घाटी गच्छ पूरा गच्छ बटे दो और तीन, इसको छह लिखा तो भी चलता है। ये प्रथम गुणहानि का क्या हुआ, ऋण हुआ, ये धन हुआ प्रथम गुणहानि का, इसमें से माइनस करेंगे तो प्रथम गुणहानि का पूरा धन आता है। अब द्वितीय अधिक गुणहानि है उसका धन और ऋण निकालना है। अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि द्रव्य पूरा आधा है, गुणित एक घाटी कक्ष का एक बार संकलन का त्रिभाग, ये दूसरी गुणहानि का ऋण है, तीसरी गुणहानि का इसका आठ होगा छ आठ, पांच गुणहानि गुणित दो चौथी गुणहानि का ये आठ की जगह चार आएगा क्योंकि छह आधा आधा होता है, हर एक गुणहानि में उसका जो अभाव द्रव्य है उसको देंगे तो ये ऋण आएगा। वहां पर जो कार्ड में अलग अलग निकाल करके दिखाया है दो तीन सब गुणहानि का, यहाँ पे आधा आधा आता है इससे अपन काम चलाएंगे। ये सब गुणहानि का सब त्रिकोणाकार रचना में जितनी गुणहानि आए छह गुणहानि उसका सबका ऋण निकला, ऐसे असंख्य गुणहानि है सबका ऋण निकल जाएगा आधा आधा करेंगे तो। अब धन कितना आएगा सब गुणहानि का, तो उसके लिए सूत्र भी बताया था गाथा में, ऊपर की गुणहानि का धन कितना आता है, तो जो पूर्व की गुणहानि है उसमें अंतिम गुणहानि का धन माइनस करो, पूर्व गुणहानि माइनस अंतिम गुणहानि का द्रव्य बटे दो, द्रव्य रहेगा ना गुणहानि और इसको दो का भाग दो तो ऊपर के गुणहानि का धन आएगा।
तो पूर्व गुण हानि यहाँ पर पहले गुण हानि है, इसका धन कितना है 6600 × 8, और अंतिम गुण हानि का करते तो 100 × 8 आता है। हाँ 100 × 8, और उसका आधा करो तो इसमें 8-8 कॉमन निकलेगी संख्या। 6300 में से 100 कम हुआ तो कितना हुआ 6200 × 8, इसको 2 का भाग दिया तो कितना 31 है ना, 2 का भाग देने तो 3100 × 8, ये दूसरे गुणहानि का धन होगा। तीसरा गुणहानि का धन कितना होगा, इसमें से 100 कम करो और 2 का भाग दो, 3100 में से 100 कम करके कितना है 3000, 3000 का आधा किया तो कितना आएगा 1500 × 8, और 1500 में से 100 कम करो 1400, उसका आधा करो तो कितना आएगा 700 × 8 आएगा। फिर 700 में से 100 कम किया तो कितना आया 600, उसका आधा करो तो कितना होगा 300 × 8, इसमें से 100 कम किया तो 100, उसका आधा करो 100 × 8। असंख्या के गुणाने सबका धन गुण निकल गया इस प्रकार, क्योंकि समान इस पर आता है ना ये धन। अब क्या करना है, सब धनों का जोड़ करो और ये सब ऋणों को घटाओ। तो इसमें सब धनों का जोड़ करने के लिए ये संख्या विषम है, समान इससे बड़ी हुई नहीं है, गुणकार से बड़ी हुई नहीं है, तो इसको समान करने के लिए सब में 100 × 8 इतना ऋण मिला दो। 6300 में 100 × 8 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 6400 हो जाएगा, 3100 में मिलाएंगे तो 3200 × 8 होगा, फिर इसमें 1600 × 8 800 × 8 400 × 8 200 × 8 100 × 8 नहीं 100 नहीं होगा ना यहाँ पर, तो 100 में 100 मिलाएंगे तो 200 × 8 यहाँ पर 6 × 8 है ना 6, तो ये धन। तो यहाँ पर कितना अभाव द्रव्य अपने वापिस ऋण कितना डाला 100 × 8 कितनी बार डाला 6 बार डाला, तो 100 × 8 × 6 ये एक ऋण हो गया वापिस। ये इन सब ऋणों का जोड़ होगा वो एक ऋण, और ये दूसरा ऋण होगा। अब ये सब ऋणों का जोड़ करो, ये सब ऋणों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये सब आधी आधी संख्या है ना, दुगुनी दुगुनी संख्या, तो यहाँ अंतधन, ये अंतधन गुणगुणियम, अंतधन को गुणकर से गुना करो और उसको उसमें से आधे घटाओ, 32 × 64 हो जाएगा, 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64, 64 में से एक कम करेंगे तो क्या होता 63, तो कितनी जल्दी हो गए देखो, जो 63 × 5 × 2 और एक कम × 1 × 6, ये सबका जोड़ हो गया, और इस सबका जोड़ क्या हो जाएगा, ये अंतधन 6400 और ये दुगुनी दुगुनी संख्या हो गई ना यहाँ पर, तो उसको 2 से गुना करेंगे, उसके लिए वापस यहाँ क्या किया है मालूम है, 6400 को 2 से संभेदन करेंगे, 8 × 2 करेंगे, तो 2 से भेदन किया सबका, 1600 × 8 × 2 800 × 8 × 2 फिर 400 × 8 × 2 फिर यहाँ 200 × 8 × 2 100 × 8 × 2 ऐसा इसका ही रूपांतर किया सरलता के लिए। तो यहाँ पर इन सबका जोड़ करेंगे तो 3200 ये अंतधन है, इसको गुना गुणे मतलब 2 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 6400 × 8 × 2 और इसमें आधे विहीन ये आधे कम करेंगे तो 100 कम हो जाएंगे इसमें, तो 6300 × 8 × 2 हो गए,
मैं सबका जोड़ कितना हुआ 6300 मैंने एक समय प्रबद्ध 8 गुना 2 मतलब 2 गुना हानि धन कितना हुआ 2 गुना हानि प्रमाण समय प्रबद्ध ये धन हुआ। अब जो ऋण आएगा वो एक आधा गुना हानि प्रमाण आएगा उसको माइनस करेंगे तो 1.5 गुना हानि आएगा बराबर। ये ऋण सहित धन है ना, ये क्या है ऋण सहित धन कितना है 6300 × 8 × 2 मतलब 2 गुना हानि प्रमाण समय प्रबद्ध। अब इसको समय प्रबद्ध की भाषा में करेंगे और ये ऋण का जोड़ क्या हुआ 6300 × 5 गुना हानि अधिक 2 1 घटी गच्छता 1 बार संकलन 2 3 4 5 6 ये प्रथम ऋण हुआ और वापिस आपने 100 × 8 में लाया हुआ है तो 100 × 8 × 6 ये द्वितीय ऋण कहेंगे ना। इसमें से ये दोनों ऋण माइनस करना है, अब ऐसा नहीं करना इसमें से ये माइनस करके इसमें माइनस करेंगे, यहाँ पर ये दोनों ऋण इसी में से माइनस करेंगे, इसमें ये दोनों ऋण है मिले हुए। अंक संदृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ अपना आ जाएगा उत्तर, जैसे अभी पहले अंक संदृष्टि से कर देते हैं क्योंकि अर्थ संदृष्टि में घुस जाएंगे तो जंगल में जाएंगे फिर। तो यहाँ पर इन सब का जोड़ किया था वो कितना आया 6300 × 8 × 2 इसका एक करोड़ अंक में करेंगे या ऐसा 6300 × 8 × 16 तो ऐसा अलग अलग करो नहीं चलेगा 8 × 16 करो या 6300 × 2 करो पहले तो आया नहीं तो 16 का किया तो कहते 16 0 0 फिर 16 3 48 8 5 4 16 96 96 4 100 1,800 ये धन हुआ। अब इसमें ये जो ऋण है अभी अपन ने निकाला तो कितना निकाला था पहले 14,000 वो आधा आधा है ना बराबर, अपन इसी का करे तो भैया निकलेगा यहाँ पर ये सब आधा आधा है ना 12,544 फिर उसका आधा आएगा 6,000 कितना आएगा वहाँ पर इसका भी करो तो भी निकलेगा टोटल ये 8 × 5 मतलब कितना है 40 अधिक 2 मतलब कितना है 42 है और ये 7 × 8 बटे इसका भाग दे देते पहले 21 × 42 3 × 7 = 21 और 63 × 7 × 8 ये रह गया तो 7 × 21 अच्छा 2 × 7 = 42 और 2 = 44 8 × 8 = 8 8 × 8 = 32 2 × 3 = 8 = 32 और 3 = 35 3,528 बराबर आए कि नहीं रह गए और एक साथ रह गए क्या? हाँ ये 7 रह गया बराबर, इसको 7 से गुना करो वापिस 7 × 8 = 56 6 × 5 7 × 2 = 14 और 5 × 19 7 × 1 7 × 5 = 35 और 1 रह गया था 36 अच्छा 3 × 7 = 21 24,696 ये दूसरा ऋण ये पहला ऋण हो गया तो इसमें से माइनस करेंगे इसको और एक ऋण कितना है 100 × 4800 है 8 × 48 ये 8 × 48 और 100 मतलब 4800 माइनस करेंगे तो इन दोनों को जोड़ा और हाँ ये सर 24,696 में 4800 जोड़ो तो 6, 9, 16 में से 8 गया जोड़ना है 6 और 8 14 8 + 1 9 29
29,496। तो 10 में से 6 गया 4, अच्छा 1, 10 में से 10 गया 0, फिर नहीं अच्छा 1 आएगा ना यहाँ, 8 में से 5 गया 3, यहाँ अच्छा नहीं है, 10 में से 9 गया 1, अच्छा 1, 10 में से 3 गया 7, 71,304। अपने पास जो त्रिकोण रचना है ना पूरी, उसका जोड़ कितना हो गया बराबर 71,304। ये कितना है, कुछ कम डेढ़ गुणाने प्रमाण है, मतलब 6300 को अपन 12 से गुना करेंगे तो पूरा डेढ़ गुणाने प्रमाण हुआ। 12,000, 12,000, 12 दिया 36, अच्छा 3, 72 और 3 75, पूरा डेढ़ गुणाने प्रमाण होता तो 75,600 आता, लेकिन कुछ कम डेढ़ गुणाने प्रमाण है तो इसमें से कुछ कम ही आ गया था। इसमें और इतना जोड़ते तो वो डेढ़ गुणाने प्रमाण पूरा होता, लेकिन यहाँ कुछ कम 71,304। इतना पूरा जो त्रिकोणाकार 48 लाइनें हैं उन सब का जोड़ इतना हो गया। ये अंक से तो अपने को बराबर प्रतीति आई है यहाँ पर। अब ऐसे अर्थ संदृष्टि से लास्ट में डेढ़ गुणाने गुणे दिखाएंगे समय प्रबद्ध। रचना में पहली जो गुणाने बनाई उसमें 512 से लेकर सब गुणाने आए, जो दूसरी गुणाने बनाएंगे वहां पर ये पहली गुणाने का द्रव्य नहीं आएगा उसमें, 512, 480 वगैरह नहीं है, 256 से लेकर आगे के सब तो दूसरी गुणाने। त्रिकोणाकार रचना आपके सामने रखो और उसमें जो 48 लाइनें हैं उन सबका जोड़ किया है यहाँ पर, तो दूसरे तीसरे चौथे गुणाने में आधा आधा नहीं होगा वहां पर, जितना ही अभाव द्रव्य कम है उतना उतना कम होता जाएगा, क्योंकि पूरा जोड़ किया हुआ है ना वहां पर, एक एक निषेक की अपेक्षा से नहीं किया हुआ है। 512 से लेकर 9 तक का जोड़, फिर दूसरी गुणाने में 256 से लेकर 9 तक का जोड़, 3100 होना हुआ ना वहां पर, 3100 उसका जोड़ होता है, फिर उसमें आगे आगे एक एक निषेक कम होता गया, फिर उसकी तीसरी गुणाने में 256 दोन गुणाने का नहीं आएगा, तीसरे गुणाने का 128 से लेकर के 9 तक वो आएंगे निषेक, फिर उसके आगे एक एक निषेक कम होता जाएगा। 6 नाना गुणाने जो है उसमें द्रव्य यहाँ एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा से देखते तो बराबर आधा 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 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ बराबर आधा आधा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कम ज्यादा निश्चित है ना सब। त्रिकोण रचना में आपके पास वो पुस्तक है ना माता जी की, है ना, त्रिकोणाकार रचना वो देखो वहां पर, उसमें सब नहीं लिखा हुआ है, इसमें इसमें जीवकांड के इसमें हमने नोटबुक पूरे लिखे थे वो सब त्रिकोणाकार रचना, देखा है तो सब गुणहानियों का जोड़ ऋण सहित धन इतना है 6300 गुणित, मतलब एक समय प्रबद्ध ये 6300 गुणित 8 गुणित 2 है, और ये पहला ऋण है कि जो अभाव द्रव्य वो मिलाने के लिए इतना ऋण दिया, और फिर वापिस यहाँ ये ऋण सबको समान करने के लिए दिया हुआ था, समान गुणकार मिलाने के लिए। अब इन ये धन में से दोनों ऋण माइनस करना है, तो इन सबको समय प्रबद्ध प्रमाण में करते हैं, भाई कितने समय प्रबद्ध प्रमाण होता है वो देख रहे हैं, तो समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना है 6300 है, 6300 का भाग देंगे तो सब समय प्रबद्धों में संख्या आएगी, तो ये धन 6300 भाग जाएगा तो इसके जगह क्या आएगा समय प्रबद्ध दो गुणाने, दो गुणाने प्रमाण समय प्रबद्ध रहे, फिर यहाँ 6300 का भाग देंगे, इसको भी समय प्रबद्ध प्रमाण में करते तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो यहाँ भी समय प्रबद्ध पीछे लिखेंगे, 8 गुणहानि अधिक 2 गुणित 1 कम गुणहानि 8, 100 गुना 6 इतना ये ऋण समय प्रबद्ध है, यहाँ 6300 का भाग देते हैं, नहीं यहाँ पर बराबर है ना, तो या 100 निकल जाएगा 63 रहेंगे, तो ये समय प्रबद्ध यानी 8 6 मित्र को पैसे 63 इतना है। अब यह
यह जो ऋण है ना, इसको पहले ये कर देते हैं, इसका जमा घाटा कर देते हैं। तो इसमें जो 100 है इसको 4 से भेदन करेंगे, तो 4 से भेदन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 25 × 4 आएगा। एक घाटी इसको तो गुना ही वैसे ही रखना है, 25 × 4 × 6। अब 25 मतलब क्या है, यहाँ पर 1 + 3 × 8 8 + 24 और 1 = 25। तो 3 × 1 प्रमाण आता है इसका, तो उस भाषा में करेंगे। तीन गुनहानी अधिक 1 × 4 × 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ 4 × 6 वैसे रखेंगे, सही जो हाँ, इसके भी 3 गुनानी हो जाएगी। ये 6 × 4 है, 8 × 6 = 24 होता है ना, तो 3 गुनानी होती है इसका। तो इसका भी रूपांतर 3 गुनानी में करेंगे, 6 × 4 = 24। 24 मतलब कितना है, 3 गुनानी है, 8 + 24, तो 8 × 3 किया इसको। अब यहाँ पर जो 8 का ये कर देंगे अपवर्तन, इस समान संख्याओं का अपवर्तन किया, अब शेष कितना रहा, ये 5 × 1 = 2 × 1 = 3 × 1 = 3। ये दोनों के ऊपर 1 है अधिक। अब इसमें जो ऋण राशि है इसकी, इसको अलग निकालेंगे, 1 का जो प्रमाण है उसको अलग निकालेंगे, तो ये इसका ऋण हो जाएगा। ये दो राशि अलग करते हैं, हम पर इधर से करती हूँ, 8 × 5 = 2 और 8 × 3 1 + 3 और 1 का प्रमाण अलग देखेंगे, 8 × 5 = 2 × 1। एक लिखो या चाहे मत लिखो, ये मतलब एक घाटी का प्रमाण अलग किया और ये जो ऋण रहे मिला करके राशि अलग किया। अब इसमें जो 2 अधिक का प्रमाण है उसको भी अलग रखेंगे, तो ये ऋण राशि है और ये ऋण की ऋण राशि है, ऋण का ऋण है, मतलब पूरा राशि का ये ऋण है और इसका ये ऋण है। अब इसमें जो धन है उसको अलग करेंगे, तो ये जो 2 का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे और यहाँ पर भी जो 2 का प्रमाण है उसको भी अलग रखेंगे, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर ऋण का धन पहले ऋण लिखते हैं, 2 नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, 8 को अलग रखेंगे, ऋण का धन। दो का प्रमाण यहाँ रखेंगे, 2 × 8 = 1 + 3 × 3 तो ये 2 का जो प्रमाण है उसको लिखा और ये गुणकार और ये भाग हरा। इसी प्रकार इसके भी 2 राशियां अलग करते हैं, तो ये ऋण का ऋण एक ही है ना, यहाँ 3 × 1 = 3 और ये 2 का प्रमाण मतलब ये ऋण के ऋण का धन है, 8 × 5 = 1 एक नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखो तो भी बाधा नहीं, 2 × 2 = 2 कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, कुछ नहीं ना, 1 ही गुण का है, 3 ×
अधिक एक में तीन, चार, एक राशि की चार राशियां हो गई। धन का प्रमाण अलग लिखा, ऋण का प्रमाण अलग लिखा, एक राशि थी ना, इसकी चार राशियां हो गई अलग अलग उसको छुड़ाने के लिए। अब ये नया क्या करेंगे, ऋण का धन है, इस धन में से इस ऋण को घटा देंगे। ये इसका ये ऋण है ना, और ये धन है, तो ये इन और ये भी इसका धन धन है। तो यहाँ ऋण के ऋण को ऋण के धन में से घटाएंगे। उसके लिए क्या क्या, प्रथम ऋण का जो धन है इसको संतुष्टि के लिए क्या करेंगे, तीन का गुणा करेंगे, तीन का भाग देंगे। इधर लेके उसको अलग से के लिए क्या किया, ऊपर और नीचे तीन से गुणा किया, आठ गुना तीन अधिक एक गुना तीन, और तीन आएगा ना यहाँ पर, यहाँ पर ये, हाँ तीन, और एक बार तीन आया, तीन का गुणा किया, तीन का भाग दिया। उनके समय प्रबंध गुणकार है ना यहाँ पर, सब जगह समय प्रबंध है, बाद में एक साथ लिख देंगे उसमें। तो कितना हुआ यह, तीन दोनी छः हो गया, छः गुनाने हो गए ना, छः गुनाने और तीन गुनाने अधिक एक गुणित तीन गुणित तीन। अब इस छः गुनाने में से पांच रूप लेकर के, ये जो ऋण राशि है ये छः में से एक रूप अलग रखो और पांच गुनाहानियों का प्रमाण ले हो, और इसमें से एक ऋण घटा दो। धन में से ऋण घटाएंगे तो ऋण दे दिया ना, जैसे आप मेरे को 500 रुपए देने हैं, मैं इनके 400 रुपए देने हैं, तो मैं बोलूंगी आप उनको 400 रुपए दे दो आप में से, और जो बचे वो मुझे दे देना, ऐसा करेंगे। तो उस समय यहाँ पर ये आठ गुना छः में से आठ गुना पाँच लिया और एक अलग रखा, आठ गुना एक बटे गुना तीन अधिक एक तीन, इसको अलग रखा और इसको घटाना है ऋण का ऋण इसमें से, ये आठ गुना पाँच भागे आठ गुना तीन में गुनाने अधिक गुना तीन अधिक एक तीन। अब यह क्या करेंगे, छेद समान करना पड़ेगा क्योंकि यह तीन है और यह तीन नहीं है। फिर यहाँ समान संख्या निकालेंगे तो आठ गुना पाँच और आठ गुना पाँच समान है, पांच रूपों को जोड़ दिया, उल्टा हो गई। तो यहाँ पर इतना ये ऐसी राशि थी ना, ये ऋण राशि है ना, वही जोड़ना है, ऋण राशि ऋण का ये धन है ना? तो धन इसमें जोड़ना ही है, तो इसमें से जो छह गुणाने का रूप था उसमें से एक गुणाने का अलग रखा और पांच गुणाने का लेकर के उसमें जोड़ दिया। तो यहाँ जो मैं जोड़ने के बाद कैसा आएगा, यहाँ पर यहाँ तीन का गुना और तीन का भाग दिया, समझे करने के लिए जोड़ना है उसको, इन दोनों को मिलाएंगे, इस ऋण के धन को ऋण में जोड़ देंगे। तो ऋण के धन में से पांच गुनाने का द्रव्य लिया है उसको यहाँ ऋण में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद यहाँ क्या होगा, ये समान संख्या निकालेंगे, पांच गुनहानी ये दोनों में समान है, आठ गुना पांच और यहाँ पर आठ गुना तीन शेष बचा है वो गुणकार है, उसमें इसका एक गुणकार जोड़ेंगे, आठ गुना तीन और इसमें एक जोड़ दिया, इसका एक गुणकार रहता है वो इसमें जोड़ते हैं शेष गुणकार पर, तो यहाँ पर इनका अपवर्तन हो जाएगा। तो कितना रहा, समय प्रबद्ध है पीछे, पांच गुनहानी बटे नौ, इतना अभी ये ऋण है, इसका ऋण है ये वो। अभी यहाँ पर
हाँ, अब ऋण का ऋण जो है उसमें से धन का जो शेष एक रुपया रखा है इसमें से घाटी कर देंगे तो उतना ऋण कम हो जाएगा हमारा। 500 रुपये ऋण है, 100 दे दिया आपको तो 100 कम हो गए तो 400 भी बाकी है, ऐसा हो जाएगा। तो इस ऋण का ऋण इस धन में से घटाएंगे, यह धन इसमें से घटाएंगे तो उतना ऋण कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये इसको अलग रखती हूँ, अभी ये इसका अभी आया हुआ थोड़ा प्रमाण है। समय प्रबद्ध 5 गुण हानि का 9 अभाव। अब यहाँ पर एक का एक रूप जो है वह यह जो ऋण का ऋण है इतना है 5 गुण हानि, 3 गुण हानि अधिक 1 3, इसमें वो घटा देंगे, धन का जो शेष एक रूप बचा है वो घटा देंगे क्योंकि कम है ना, ये ज्यादा है। यहाँ 8 गुना 3 अपन कहते हैं ना ज्यादा अभी देना है तो इतना है हमारे पास, इतना ले लो फिर बाद में दे देंगे। इस प्रकार यहाँ पर जितना घट रहा ऋण घटना घटाना है उतना घटा देंगे, तो एक रूप जो है उसको माइनस करेंगे इसमें से। तो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का समच्छेद करना पड़ेगा ना, यहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ 3 कम है, मतलब ये 3 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ 8 गुना 5 गुना 3 और 8 गुना 3 प्लस 1 3 गुना 3 नौ है, ऐसा करो तो भी चलेगा। तो इतना रहा, अब इसमें क्या करेंगे, ये 5 क्या कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 में से 14 रूप जो है उसको अलग करेंगे। तो इसी की संतुष्टि ऐसा एक ना, मतलब यहाँ समान संख्या निकालो, ये 8 और ये 8 समान है और छेद समान है, आठ गुना 3 प्लस 1 गुना 9 है, और यहाँ पर ये एक गुणकार इसका रहा वो क्या हो जाएगा, इस 5 गुना 3 में माइनस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। इसी को संतुष्टि में ऐसा लिखा है उन्होंने, 5 गुना 3 घाटी 1 ऐसा लिखो या ऐसा लिखो दोनों भी चलता है, 5 गुना 3 घाटी 1 ये गुणकार, एक जो गुणकार है उसमें से कम कर दिया। तो यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, अब वापस ऊपर नीचे 3 से गुणित करना है, उसमें ऋण के धन को जोड़ना है, ये ऋण के ऋण का धन है इसको जोड़ना है, तो ऋण वो हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 14 ही लिख देते हैं यहाँ पर, 8 गुना 14 और 3 से गुना के है ना, 3 से गुणित किया और 3 से यहाँ पर भी 3 से करेंगे, ऊपर नीचे 3 की संतुष्टि के लिए ऊपर और नीचे 3 का गुणा किया और भाग दिया, मतलब भाग भी दिया और गुणा भी किया तो संख्या में बदलने होता है, वो संख्या वैसी ही रहती है। तो इसमें से समच्छेद, इसमें क्या मिलाना है, अब ये राशि मिलाना है ऋण के ऋण का धन, ये मिलाना है। तो कितना ये 2 और बटे 8 गुना 3 अधिक 1 गुणित 3 है। अब वापिस यहाँ संतुष्ट समच्छेद के लिए 3 का गुणा करेंगे, एक मिनट कौन सी यहाँ पर ये सबसे नीचे है,
यहाँ पर तीन का गुणा नहीं करना, ऐसा बोल रही हूँ। एक मिनट में देखती हूँ, वो समच्छेद करने के लिए ऋण के दंड के ऊपर नीचे नौ से गुना करना। यहाँ पर ये तीन है और यहाँ तीन है, यहाँ नौ से गुना करना पड़ेगा। इधर नौ होने के यहाँ नौ, नौ का समच्छेद करेंगे। तो इसमें कितना हुआ ये 14 × 27 हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएंगे। इन 18 रूपों में से 14 रूप लेकर के जोड़ना और 4 रूप का प्रमाण अलग रखना। तो ये 9 दोने 18 हो गए ना, ये 9 दोने 18 हो गए। तो इसमें से 18 में से 14 रूप लेकर के जोड़ना, इसमें 4 रूप को अलग रखना वापिस। यहाँ 8 × 14 मतलब ये 8 × 3 हो जाएगा, गुणित 14 नीचे 8 × 3 अधिक 1 गुणित 9 × 3 यहाँ प्लस, इसमें से कितना लेना 18 है तो 14 लेना, इसमें से 14 मतलब 8 मतलब 3 × 8 अधिक 1 गुणित 9 × 3 है यहाँ पर। इसमें समान संख्या निकालेंगे, 14 × 14 समान होगी और 8 × 3 है उसमें 1 अधिक होगा इसका गुण का। तो 8 × 3 अधिक 1 गुणित 14, फिर 8 × 3 अधिक 1 गुणित 27 हो जाएगा, 9 × 27 है। तो यहाँ ये गया और ये गया वहाँ पर, और थोड़ा सा ही क्या होगा यहाँ पर, यह 14 है 27 है और एक भाग हर बढ़ जाता है तो बराबर आधा हो जाता है, 14 × 2 = 28 आता है ना। तो थोड़ा सा ही क्रम क्या है, आधा समय प्रबद्ध हुआ, कितना बचा ये वो आधा समय प्रबद्ध, ये ऋण का सब टोटल निकाल करके कितना निकला, ये आधा समय प्रबद्ध हुआ। और अभी इसमें से ये ऊपर ऋण है ये भी जोड़ना है उसमें, तो वो जो ऊपर जो ऋण है अलग रखे, चार का प्रमाण इसमें से और क्या रखा है अलग, ये 18 में से 4 का प्रमाण रखा है ना, 4 और 3 × 8 अधिक 1 बटे 27 ये अलग रखा हुआ है। तो ये वो एक का असंख्यात्व भाग है, ये कितना है असंख्यात्व भाग राशि है, बहुत कम राशि है। तो इसको क्या करेंगे, इसी ऋण में जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी ऋण है वो भी ऋण है ना, उसमें अधिक किया साधिक किया केवल। और इसमें तो उपर्युक्त ऋण को द्वितीय ऋण में कम करना, द्वितीय ऋण ये है, द्वितीय ऋण है ना ये मतलब क्या है, अभी ये इसका इस ऋण का ये आधा समय प्रबद्ध प्रमाण बचा हुआ है अपना, आधा समय प्रबद्ध है ऋण राशि है, ये जो ऋण का ऋण था ना वो है वहां पर। तो ये ऋण का ऋण जो है वो द्वितीय ऋण में से घटा दे, ऐसा कहा है इसको, दूसरा ऋण ये है ना, ये दूसरा ऋण, ये दूसरा ऋण क्या है यहाँ पर समय प्रबद्ध, और 8 मतलब क्या है गुणहानि आयन। तो गुणहानि आयन का प्रमाण क्या है, अपन ने निकाला था नाना गुणहानि को, गुणहानि आयन कितना आता है, नाना स्थिति को नाना गुणहानि से भाग देते हैं, स्थिति कितनी है संख्यात पल्य है, संख्यात पल्य स्थिति उसको नाना गुणहानि पल्य के अर्धच्छेद माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद, ये क्या है नाना गुणहानि, इसका भाग दिया तो ये 8 जो गुणहानि उसका प्रमाण है, 6 मतलब क्या है नाना गुणहानि। तो नाना गुणहानि कितनी है पल्य के अर्धच्छेद माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद, और 63 मतलब एकम अनन्यभ्यस्त राशि है, एकम अनन्यभ्यस्त राशि। तो अनन्यभ्यस्त राशि कितनी है अपने मोने की पल्य भागिले वर्गशला का, इसको भूलना नहीं, बहुत बार हुआ है क्या, इसको इतने प्रमाण दो दो का अंक रखते हैं तो क्या आता है पल्य के अर्धच्छेद प्रमाण दो दो रखे तो पल्य आया, माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद प्रमाण वो दो दो रखे तो वर्गशलाका,
तो ये अनन्यवस्थ राशि है ना, और इसमें से एक कम करना है, एक कम है ना। तो इसका जो वास्तविक प्रमाण है उसको यहाँ निकाल के सरलता से, अब ये संख्या चली जाएगी और ये संख्या चली जाएगी, और ये संख्या पल्ले है, ये वर्गशाला का गुणकार में जाएगी, संख्या पल्ले वर्गशाला का भागेले पल्ल्य है, उसमें से एक कम है, लेकिन वो एक कम को न गिन करके पल्ले पल्ले का अपवर्तन कर दिया, असंख्यात में एक की कुछ गिनती नहीं है ना, तो शेष क्या बच्चा, संख्यात वर्गशाला का, ये दूसरा ऋण है, संख्यात वर्गशाला का। इसमें से क्या किया, ये संख्यात वर्गशाला का इस दूसरे ऋण में से ये ऋण कम कर दिया थोड़ा सा, और उनका ऋण है इसलिए संख्या इस द्वितीय ऋण में उपयुक्त ऋण का ऋण घटाने पर कुछ कम होगा, ये ऋण कुछ कम हो गया। प्रथम ऋण ऐसा, ये प्रथम ऋण अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रथम ऋण है ना, और इस ऋण का जो ऋण था वो दूसरे ऋण में से घटा दिया, ये जो ऋण इसका जो ऋण रहा था उसको इस ऋण में से कम कर दिया। अब यहाँ पर ये जो प्रथम ऋण बचा हुआ है, समय प्रवर्ग गुणित पांच गुण हानि बटे दो बटे नौ, अब इसको क्या करना है, संदृष्टि के लिए ऊपर नीचे दो से गुना करना, दो का गुना किया और दो का भाग दिया तो समान ही संख्या रही। फिर यहाँ पर कितना हुआ, ये 18 और ऊपर 8 × 10 हुआ ना, इसमें से इन 10 रूपों में से एक रूप अलग रखना, 8 × 10 है, इसमें से 9 लेना केवल और एक रूप को अलग रखना, ये अलग रखा और यहाँ पर 9 रूप लिया और यहाँ पर 18 है, तो 9 × 9 = 18 इतना है ना बराबर। और ये समय प्रबद्ध गुणित 8/2 लो कितना हो गया, ये आधा गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध, कितने रहे, आधा गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध। अब ये इसको इस धन में से घटाना, ये 2 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध धन है और ये आधा गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध ऋण है, इस धन में से इस ऋण को घटाएंगे तो धन कितना है, 8 × 2 है, इसका इसमें से घटाना है, तो संवेदन के लिए क्या समच्छेद करेंगे, 2 करेंगे या 2 का गुना करेंगे, तो कितना हुआ, 4 × 2 और इसका एक गुणहानि है और ये 4 × 2 है, इसमें से एक माइनस करेंगे, मतलब या गुणाने गुणाने समान निकालेंगे और 4 में से इसका एक गुणकार कम करेंगे तो क्या रहा यहाँ पर, 3/2 कितना रहा, ये 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध रहा, ये समय प्रबद्ध इसके पीछे है ही, तो 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध, और इसमें अभी ये ऋण है, ये संख्या वर्गशाला का कुछ कम, और इसमें से 1/18 भाग रखता था ना, ये 1/18 भाग गुणहानि का 18 भाग, तो ये 2 ऋण है उसको कुछ कम कर देंगे यहाँ पर समय प्रबद्ध, और इसको 1.5 गुणहानि करने के लिए क्या करते हैं अपन, 12 लिखते हैं इसको, इसी को इस रूप में लिखते हैं ना, या 2 का भेद किया 4 हुआ, 4 या 12 1.5 गुणहानि का प्रमाण, और इसमें कितना कम है, कुछ कम, कुछ कम में क्या आएगा, कुछ कम संख्या वर्गशाला का गुणहानि का 18 भाग, इतने से कम 1.5 गुणहानि गुणे समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है, तो ये धन कितना आया, 2 गुणहानि प्रमाण, और ये ऋण जो है वो कितना आया, आधा गुणहानि प्रमाण, मतलब ये आधा गुणहानि है ना, और इसमें ये जो दूसरा ऋण है वो संख्यात वर्गशाला का पल्ले की संख्यात वर्गशाला का है, वो कम की उसमें से, इसलिए पूरा 1.5 गुणहानि प्रमाण न रह करके संख्यात वर्गशा कुछ कम संख्यात वर्गशाला कर गुणहानि का या 18 भाग, इससे न्यून 1.5 गुणहानि गुणे समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है।
पीस उसमें ऐड होता जाता है, तो थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, लेकिन चौदहवें गुण स्थान के लास्ट तक वो डेढ़ गुणहानि रहेगी और एक साथ उसकी निर्जरा हो जाएगी फिर। इसलिए इसमें पुनः पृथक रखा हुआ गुणहानि का 8/18 भाग और द्वितीय ऋण कुछ कम संख्यात वर्गशाला का प्रमाण घटाने के लिए डेढ़ गुणहानि के आगे कुछ कम की संतुष्टि करने पर कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्व द्रव्य होता है। तो किस प्रकार यहाँ पर एक समय प्रबद्ध का उदय होने पर भी सत्ता में कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध रहता है। हमेशा अपन कहते हैं ना कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध, वो किस प्रकार ये सब गणित देते हैं देखते हैं अलौकिक, तो वहाँ अपने को प्रतीति होती है। हाँ, लेकिन वो बराबर आचार्य ने कैसे निकाल करके दिखाया पूरा असंख्यात का गणित, ये पूरा हुआ है यहाँ पर। ओ जानी यह मैं कौन हूँ इसका विचार कीजिए, विचार करके उस रूप अपना अनुभव कीजिए। यह मैं शरीर नहीं हूँ, यह मैं कर्म नहीं हूँ, यह मैं राग द्वेष मोहादि भाव कर्म नहीं हूँ, इन तीनों से भिन्न मेरा अलग अस्तित्व है, चैतन्य रूप अस्तित्व मेरा अस्तित्व है, एक जगह चारों विद्यमान है उसमें से मैं अकेला हूँ, इन तीन रूप में नहीं हूँ। भाव भाषण कीजिए। चैतन्य सत्ता शरीर से अलग है, भिन्न है, कर्म परमाणुओं से भी चैतन्य सत्ता भिन्न है, आत्मा के सर्व प्रदेशों पर अनंतानंत कर्म परमाणु होने पर भी एक भी कर्म परमाणु आत्मा रूप नहीं हुआ है, मेरे अस्तित्व में प्रविष्ट नहीं हुआ है, मेरा शुद्ध अस्तित्व हमेशा है ही, कर्म कर्म में ही रहता है, मुझ में नहीं है। मैं कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्यमय हूँ। देखिए, कर्म के अस्तित्व को भी जानिए, अपने अस्तित्व को भी जानिए, दो अस्तित्व भिन्न भिन्न नजर आ रहे हैं। कर्म जड़ अचेतन पुद्गलमय है, मैं चेतन ज्ञानमय हूँ। जानिए, कर्म परमाणु मुझ पर कुछ भी राज्य नहीं कर सकते हैं, मेरे पर उसकी सत्ता नहीं है, मैं अपने अनंत गुणों पर राज्य करने वाला एक ही सत्ताधीश हूँ, मैं अपना स्वयं स्वामी हूँ, कर्म मेरा स्वामी नहीं है, कर्म मेरा कर्ता नहीं है, मैं कर्म का भोक्ता नहीं हूँ। जानी, कर्म रूप सत्ता भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। निष्कर्म अकिंचन स्वरूप निरंजन चैतन्य स्वरूप निष्कलंक चैतन्य स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहु।